उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब देहरादून के कई जगहों पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसी ही एक घटना देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में केनाल रोड की है, जहां कल शाम 6 बजे के आसपास एक घटना घटी। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलकर लौट रहे 12 वर्षीय बच्चे निखिल थापर पर गुलदार ने हमला कर दिया। इससे पहले कि गुलदार उसे ले जाता, हिम्मती साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे छुड़ा लिया। आपको बता दें कि बुरी तरह घायल बच्चे का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रविवार शाम करीब 6 बजे राजपुर थाना क्षेत्र में केनाल रोड स्थित सुंधोवाली की बताई जा रही है। आपको बता दें कि गुलदार ने उसका सिर पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। उसी बीच निखिल की चीख सुनकर उसके साथी ने तुरंत निखिल के पैरों को पकड़ा और शोर मचाने लगे। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार की तलाश शुरू कर दी है। हमला किए जाने की घटना पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पुलिस प्रभारी इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाने निर्देश दिए हैं। देहरादून से नेशन वन के लिए दिव्या की रिपोर्ट।